नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। चार बजे की चार बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव से पहले युवाओं की, जिनको लगातार रोजगार की सौगातें मिल रही है। युवाओं को रोजगार मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आम जनता को भी विकास की सौगात मिल रही है, जिसका एक उदाहरण गोरखपुर में भी दिखा है। जहां जनता को प्रशासनिक भवन मिला तो वहीं एक तरफ जहां हम सौगातों की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहां आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है। जिन सड़कों को लेकर यूपी में बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, उसी यूपी में गाजीपुर की सड़कें बेहाल हैं। अपराधियों, दंगाइयों और अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई होती है, लेकिन सीएम के निर्देश के बाद भी आज तक सड़कें नहीं बन पाई हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। अक्टूबर 2022 से शुरू हुआ रोजगार मेले का सिलसिला आज भी लगातार जारी है। इसी कड़ी में आज 9वें रोजगार मेले में पीएम मोदी ने 51,000 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा है। इस बार ज्वाइनिंग लेटर पाने वाले उम्मीदवार पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में भर्ती हुए हैं। इनमें वित्तीय सेवा विभाग, डाक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, रक्षा मंत्रालय, राजस्व विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण के साथ ही परमाणु ऊर्जा विभाग, रेल मंत्रालय, लेखा परीक्षा और लेखा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और गृह मंत्रालय समेत कई अन्य विभाग और भी शामिल है, जिनमें युवाओं को रोजगार की सौगात मिली है। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित भी किया है। उनके संबोधन की बड़ी बातें क्या रही, चलिए उस पर एक नजर डालते हैं। अमृतकाल के पहले वर्ष में ही दो बहुत बड़ी सकारात्मक खबरें आई है। ये खबरें देश में कम होती गरीबी और बढ़ती समृद्धि का परिचय देती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में आया है कि सिर्फ 5 साल के भीतर ही भारत में 13.5 करोड़ भारतीय गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं। 21वीं सदी के भारत की आकांक्षा है, बहुत ऊंची है। हमारे समाज की सरकार से अपेक्षाएं बहुत ज्यादा है। आप खुद देख रहे हैं कि नया भारत आज क्या कमाल कर रहा है। युवाओं को आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, और 2022 में ये रोजगार मेले का सिलसिला शुरू हुआ और आज 9वीं बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया। विवेक, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए ये 9वीं बार रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को बड़ी सौगात मिली है। आज जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, किन किन विभागों में इन सभी युवाओं को नौकरी मिली है, विवेक? रोजगार मिला था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51,000 पत्र बांटे हैं और 51,000 युवाओं के लिए सौगात लेके आया है ये रोजगार मेला। इसके हिसाब से जो है वो नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो लगातार रोजगार की बात केंद्र सरकार करती है, युवाओं को रोजगार से जुड़ने की बात करती है, स्किल डेवलपमेंट योजनाओं की बात करती है। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से रोजगार को लेकर ये सरकार प्रतिबद्ध है, कहीं ना कहीं देखा जा सकता है कि जो रोजगार से विपक्ष हमलावर था, एक उनको जवाब देने की कोशिश की गई है। बात की जाए तो डाक, शिक्षा, उच्च शिक्षा और तमाम ऐसे बड़े विभाग है, महत्वपूर्ण विभाग है, चाहे वो परिवार कल्याण विभाग हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो, चाहे वो परमाणु ऊर्जा विभाग हो या फिर गृह मंत्रालय,
की बात की जाए, इन सभी बड़े विभागों में तकरीबन कुल मिला के 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है और ये आगे चलकर देश के विकास में होने वाली योजनाओं को सुचारू रूप से ग्राउंड लेवल पर काम करने के ही प्रक्रिया में अपनी एक अहम भूमिका भी निभाएंगे। बात की जाए तो 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में 51,000 युवाओं को जिस तरीके से नियुक्ति पत्र बांटा गया है सरकारी क्षेत्रों में, इसको लेकर एक उपलब्धि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी इसको पेश करेगी। ठीक है, देखिए विवेक, 2022 से लगातार हम ये जिक्र कर रहे हैं कि इस पूरे रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी जहां लगातार युवाओं को सौगातें मिल रही हैं। ऐसे में 2024 के चुनाव से इस रोजगार मेले को किस तरीके से जोड़ के देखा जाए? विवेक, देखिए अगर बात की जाए तो अपने अपने घोषणा पत्रों में जो सभी पार्टियां होती हैं चुनाव के पहले अपने घोषणा पत्र जारी करती हैं, उस घोषणा पत्र में तमाम कई वादे किए जाते हैं, जनता के लुभावने वादे होते हैं। अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने भी 2014 और 2019 में ऐसे ही लुभावने वादे किए और कई वादों को पूरा करती देखी भी जा सकती है। जिस तरीके से 2 करोड़ रोजगार की बात कही गई थी घोषणा पत्र में, ये कहा गया था कि सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में युवाओं को स्किल के माध्यम से, तकनीक के माध्यम से रोजगार के अवसर मिलेंगे और प्रत्यक्ष रूप से रोजगार से जोड़ा जाएगा। ऐसे में आम चुनाव से ठीक पहले 51,000 से ज्यादा युवाओं को सीधे तौर पर सरकारी क्षेत्रों में बात की जाए तो जहाँ सहभागिता सरकारी क्षेत्रों की अधिक है वहाँ रोजगार के माध्यम से जोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को भारतीय जनता पार्टी आम चुनाव में होने वाले जो प्रचार प्रसार है उसमें जो है इन चीजों को भुनाने का प्रयास करेगी। और जिस तरीके से देखा जाता है सरकार की योजनाओं को प्रचारित किया जाता है, प्रसारित किया जाता है ताकि आम जनता इन योजनाओं से रूबरू हो सके और सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से आम जनता के लिए क्या किया ये जनता तक पहुंचाया भी जा सके, इन तमाम चीजों में बात की जाए तो डबल इंजन सरकार बेहतर रही है। किस तरीके से योजनाओं को प्रचारित प्रसारित करना उसमें भली बात ही पता है। साथ ही साथ अभी 6-8 महीने का समय बचा है, इन 6-8 महीनों में इन तमाम विभागों में जहाँ सरकारी क्षेत्रों की भागीदारी ज्यादा है वहाँ पे और भी नियुक्तियाँ करने का प्रयास जो है केंद्र सरकार के माध्यम से होगा। रेलवे एक, ठीक है, देखिए विवेक अगर हम एक चीज गौर करें तो देखिए 2022 से ये सिलसिला चालू हुआ लेकिन जो 5 रोजगार मेले हुए वो एक लंबे लंबे अंतराल पे हुए, यानी कि तकरीबन जो उनमें गैप था वो 1 महीने या 1 महीने से ज्यादा का था। लेकिन अगर हम अब के रोजगार मेलों पर नजर डालें तो वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ये जल्दी जल्दी होने की वजह क्या लोकसभा चुनाव है क्या कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी से जोड़ने की कोशिश है क्या ये बीजेपी की? देखिए स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा जा सकता। बात की जाए रोजगार मेले की तो सरकार डिसाइड करती है, लगभग एक महीने 40-45 दिन में रोजगार मेलों का आयोजन होता है, कभी कभार 1-8 महीने में आयोजन होता है। इस बार ये आयोजन थोड़ा जल्दी था। इस बात बात की जाए तो जिस तरीके से 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है, प्रधानमंत्री ने खुद नियुक्ति पत्र सौंपे हैं, तो उस तरीके से देखा जा सकता है कि आने वाले समय में 1 महीने के अंदर ही फिर से दूसरा रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा और तमाम क्षेत्र, क्या वो सरकारी क्षेत्र हो, सहकारी क्षेत्र हो, निजी क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में लोगों को युवाओं को जो है रोजगार के माध्यम से जोड़ा जाएगा। यानी अपने कार्यकाल के दूसरे कार्यकाल के आखिरी साल में या कहे कि आखिरी 6-8 महीने में केंद्र सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार जो है युवाओं को बांटना चाहती है और जो काफी दिनों से जो वेटिंग लिस्ट रही है, जो पेंडिंग लिस्ट रही है उसमें भी जो है वो अब तेजी लाना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए दर्शकों तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए आज रोजगार मेले का आयोजन हुआ जिसमें तमाम युवाओं को रोजगार दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 2022 में ये सिलसिला शुरू हुआ था और ये सिलसिला लगातार जारी है और आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन 51,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिया है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में तकनीकी संस्थाओं का योगदान हमेशा अहम रहा, समाज को इस तकनीक का लाभ देने के लिए तकनीकी संस्थाओं का आगे आना जरूरी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गोरक्षनाथ मंदिर में भागवत कथा का शुभारंभ किया। तो आज सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मौजूद रहे, जहां गोरखपुर में उन्होंने एक बड़ी सौगात दी है। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने दर्शन पूजन भी किया है। गोरखपुर हो या फिर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र, आपने देखा होगा हम लोगों ने
10 से 12 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट किया था। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट प्रदेश के अंदर 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों को लाने में सफल हुआ, लेकिन 36 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए हम लोगों को जिन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना है उनमें सबसे पहली आवश्यकता तो ये कि इतना ट्रेंड मैन पावर जो भी वहां के लिए योग्य मानव संपदा की आवश्यकता है क्या उसको देने के लिए हमारी तकनीकी संस्थान आगे बढ़ पाएंगे। रितेश का रुख करते हैं जो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रितेश, देखिए, दो दिवसीय दौरे पर सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। आज उन्होंने क्या क्या गोरखपुर की जनता को विकास की सौगातें दी है और आगे क्या कुछ कार्यक्रम उनका गोरखपुर में और देखने को मिलेगा? देखिए मुस्कान, सबसे बड़ी बात ये बताऊं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से गोरखपुर में लगातार बने रहते हैं, यहाँ की जन समस्याओं को अक्सर सुना करते हैं। इसी कड़ी में 27 तारीख से 3 तारीख तक गोरखनाथ मंदिर में कार्यक्रम होगा। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ पुण्यतिथि कार्यक्रम है जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे। एक शोभा यात्रा निकाली जाएगी 27 तारीख को, यानी शोभा यात्रा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होने वाले हैं। आज वो यहाँ पर है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एक प्राथमिक भवन का एक आज उन्होंने शुभारंभ किया और उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि जो तकनीकी सेवाएं हैं उसको उस पर ज्यादा जोर दिया जाए। 2017 का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा कि पहले पूरे प्रदेश में 2 साइबर थाने थे, अब हर जिले में साइबर थाने बनाए गए। तो ऐसे में जितने तकनीकी संस्थान हैं उनको तकनीकी सेवाओं में और ज्यादा इजाफा करना चाहिए और भी चीजें उसमें तकनीकी में जोड़नी चाहिए, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी बात कही। आज देखिए लगातार अब यूपी के साथ ही पूरे देश भर की जनता को सौगातें मिलती हुई नजर आ रही हैं। 2024 का चुनाव अब काफी नजदीक है, ऐसे में ये जो 5 साल है ये निर्णायक भूमिका निभाएंगे या तो फिर ये जो 6 महीने है जिसमें लगातार फीते कट रहे, शिलान्यास हो रहा है, लोकार्पण हो रहा है, या ये निर्णायक होंगे? देखिए सबसे बड़ी चीज तो यहाँ समझने वाली बात ये होगी मुस्कान की बड़े कई अर्थों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी केंद्र में और प्रदेश में भी, तो इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने बहुत होमवर्क किया। होमवर्क करने के बाद आज उसका ये परिणाम निकल रहा है कि योगी 0.2 की सरकार बनी और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की भी सरकार बनी। तो 2024 में भी लोकसभा चुनाव में वो दंड जीत उनको हासिल हो और उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभाएं सीट है उनको भी जीतने के लिए अब इनके को भारतीय जनता पार्टी के ना तो कोई मुख्यमंत्री कोई को तथा छोड़ना चाहते हैं, ना कोई प्रदेश अध्यक्ष और ना ही कोई कार्यकर्ता। इनका एक सीधा सा वसूल है भारतीय जनता पार्टी का कि प्रदेश के या देश के उस आखिरी व्यक्ति तक वो पहुंचेंगे जहां तक कोई अभी पहुंच नहीं पाया है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर ये सामने आ रही है 2024 लोकसभा चुनाव उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी लगातार सजगता बनाए है और उसको 2024 में उत्तर प्रदेश के 80 सीटों को जीतने के लिए जो भी प्रयास करना है वो आप देख रहे हैं लगातार प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं, जा रहे हैं अभी मध्य प्रदेश का उन्होंने दौरा किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार दौरा करते हैं। तो ऐसे में जनता को सौगात मिल रही है और अभी जो दीपावली से पहले एक बात कही गई है कि जो प्रदेश को गड्ढा मुक्ति अभियान चला करके लगभग 50,000 किलोमीटर तक की रोडों को दुरुस्त किया जाएगा, सही किया जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव को लेकर के सारी चीजें निकल के सामने आ रही है। रितेश, देखिए 24 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए लगातार लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है ताकि विकास से लोगों को और करीब लाया जा सके, विकास के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग सके। ऐसे में गोरखपुर में ये जिस प्रशासनिक भवन को आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की जनता को सौंपा है, इससे वहां की जनता को क्या लाभ होगा? उसमें तकनीकी सेवाओं से लैस होगा, पूरा वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से वो बनाया गया है, 12 करोड़ रुपए की लागत से बना हुआ है। तो ये वहाँ पर जो तकनीकी सेवाएं हैं उसमें और बढ़ोतरी की जाएगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो साइबर क्राइम हुआ करते थे उससे कमी आएगी और लोगों में जागरूकता और जानकारी फैलेगी। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के दौरान इस बात को कहा कि जितने भी तकनीकी संस्थान है वो अब चीजों को और इंक्रीज करें, यानी अब समय बदल रहा है, तकनीकी सेवाओं को और बेहतर करना होगा जिससे प्रदेश
को और ऊंचाइयों तक ले जाया जा सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि लखनऊ और गोरखपुर की अगर बात की जाए, दोनों की जगह की समानता की जाए तो बराबर समन्वय बनाए रहते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री। अभी वो कभी उनका एक पांव गोरखपुर में रहता है तो दूसरा पांव राजधानी लखनऊ। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद रितेश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ताज नगरी आगरा में रविवार की शाम राधा स्वामी सत्संग सभा के सत्संगियों ने पुलिस टीम पर जोरदार हमला बोल दिया। मिली जानकारी के मुताबिक सत्संगी पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे। दरअसल इस दौरान का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि पुलिस के आने से पहले सत्संगी हमले की तैयारी करते दिख रहे हैं। सत्संगियों का हमले में इस्तेमाल की गई पाइप को काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि प्राइम टीवी इस वायरल वीडियो की किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं करता है। बता दें कि हमले के बाद पुलिस लगातार मामले की कार्रवाई कर रही है, लेकिन यह हमले से पहले का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जो प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन प्राइम टीवी फिलहाल इस वीडियो की किसी भी तरीके से पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इस वीडियो को देखकर यह साफ तौर पर अंदाजा एक लगाया जा सकता है कि देखिए पुलिस टीम के पहुंचने से पहले पूरी तैयारियां कर ली गई थी, हमले के लिए सभी सामान इकट्ठा कर लिए गए थे। इसके साथ ही पाइप काटते हुए भी ये युवक का वीडियो साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो सत्संगी पुलिस के बीच बवाल का मामला रविवार को आगरा से सामने आया। इस दौरान मारपीट की खबरें भी सामने आई और खबर यह भी निकल के सामने आई कि पुलिस टीम पर जोरदार तरीके से हमला किया गया है। उसी हमले से पहले का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के फिलहाल प्राइम टीवी पुष्टि नहीं करता है। लेकिन इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सत्संगी पूरी तरीके से तैयार थे। उन्हें अंदाजा था कि पुलिस टीम पहुंचने वाली है, उससे पहले वो सक्रिय इस वीडियो में नजर आ रहे हैं जिसकी पुष्टि फिलहाल प्राइम टीवी नहीं करता है। जिशान इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए जिशान, सबसे पहला सवाल यह रहेगा कि सत्संगियों के द्वारा जो पुलिस पर हमला किया गया उससे पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जो लगातार अब ट्रेंड भी कर रहा है, लेकिन इस वीडियो की जो हकीकत है उसको लेके क्या कोई बयान आधिकारिक तौर पर सामने आ रहा है क्या? देखिए मुस्कान, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो रविवार दयालबाग में हिंसा हुई थी, तमाम पुलिसकर्मियों के ऊपर जो सत्संगियों ने हमले किए थे जिसमें तकरीबन 15 से 16 पुलिसकर्मी घायल हुए थे, उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि सत्संगियों ने पहले से ही प्री प्लान कर रखा था। और तमाम जो वीडियो में साफ तौर से कह सकते हैं कि वीडियो में दिख रहा है कि जो सत्संगी है वो पाइपों पे जो लंबा सा रॉल है उस पाइपों को काट रहे थे, पूरा प्लान तय था। और जिस समय पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो तब सत्संगियों ने पुलिस के ऊपर हमला कर दिया जिसमें बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी भी घायल हुए थे। तो कह सकते हैं कि पूरा प्री प्लान था उनका। और अगर अधिकारी पुष्टि की बात करें, इसकी अधिकारी पुष्टि नहीं हुई है, ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है क्योंकि अधिकारी इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से बच रहे हैं। जी देखिए जिशान, जब पुलिस पर हमला हुआ तो लगातार आप भी जिक्र कर रहे हैं कि 15 से 16 पुलिसकर्मी घायल हुए थे और इस वीडियो में कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जो हमले की तैयारी कर रहे हैं, तो उस वीडियो के आधार पर क्या किसी की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है क्या? देखिए रविवार को जिस तरीके पुलिस है 4 से 5 जो सत्संगी हैं उनको गिरफ्तार किया था और तकरीबन बड़ी संख्या में सत्संगी सभा के लोग भी घायल हुए थे, उसमें साफ तौर से कह सकते हैं जो घायल हुए थे उनका जिला अस्पताल में ट्रीटमेंट किया गया था, उपचार किया गया था। वही पुलिसकर्मियों का उपचार भी जिला अस्पताल में किया गया था। वही आपको बता दें कि जो सत्संगी है उन्होंने इस पूरे मामले में हाईकोर्ट में एक याचिका भी डाली है। याचिका में उनकी जो सुनवाई है वो 27 सितंबर को सुनवाई होनी है। जी देखिए जिशान, लेकिन इस याचिका की जो मुख्य दलील है वो क्या रह सकती है? देखिए साफ तौर से कह सकते हैं जो पहले जो झड़प हुई थी उसके बाद जो सत्संगी है उनका दावा है कि जो 9 बीघा जमीन है दयालबाग में वो उनके पुरखों की जमीन है, उनकी जमीन है। वहीं जो ग्रामीण है उनकी शिकायतों पर जिला प्रशासन ने वहां पर जो सरकारी जमीन का दावा किया है जिला प्रशासन ने उस जमीन को ध्वस्त करने की कार्रवाई के लिए गया था, लेकिन सत्संगियों ने पुलिस के ऊपर और जिला प्रशासन के ऊपर हमला कर दिया। वहीं जो डीसीपी सिटी है उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था
उसके बाद जो जिले के अधिकारी हैं उन्होंने रात को तहसील में एक बैठक की, जो बैठक 2 घंटे तक चली थी। उस बैठक में ये निर्णय लिया गया कि 1 हफ्ते का समय दिया गया था जिला प्रशासन की ओर से सत्संगियों को, जिसमें सत्संगी सभा के लोग भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन सत्संगियों ने सोमवार को हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने उस याचिका को स्वीकार भी किया है और 2 दिन के लिए ये कार्रवाई को टाल दिया है। कह सकते हैं कि 2 दिन के बाद ये कार्रवाई होनी है, क्योंकि 27 सितंबर को ये इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद जिला अगर जो सत्संगी सभा के लोग हैं वो अपने दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे, अगर दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराते हैं तो जिला प्रशासन की ओर से दोबारा से वहां पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, धन्यवाद जिशान इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो सत्संगी और पुलिस के बीच बवाल का जो मामला सामने आया, अब उसमें एक नई वीडियो सामने आई है जहां पुलिस की कार्रवाई करने से पहले ये सत्संगियों के हमले की तैयारी करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। फिलहाल इस पूरे वीडियो पर अभी आधिकारिक बयान नहीं सामने आया है। तो देखिए, गड्ढों पर सड़क या सड़क पर गड्ढे, ये इसलिए कहना जरूरी है क्योंकि गाजीपुर में सड़कों का बुरा हाल है और गाजीपुर की सड़कों को देखकर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि सड़क में गड्ढे हैं या फिर गड्ढे में सड़क। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देशों का अधिकारी लगातार पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि गड्ढों की वजह से ग्रामीण काफी परेशान है, वही इन गड्ढों से सड़क हादसे लगातार हो रहे हैं। बता दें कि गाजीपुर के दिलदार नगर क्षेत्र का देवल मार्ग पूरी तरीके से खस्ता हाल है और यह भी बताया गया है कि निरहू का पूरा ये देवल गांव तक जाने वाली सड़क बदहाल है और सड़क में बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसकी वजह से बारिश का पानी भरा हुआ है। वही सड़क की बदहाली के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क पर प्रतीकात्मक रूप से धान बोकर प्रदर्शन भी किया है। तो देखिए, ये सड़कों की बदहाली की तस्वीरें हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे कि यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी, लेकिन उन्हीं सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेशों का अधिकारी खुलेआम पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका उदाहरण गाजीपुर की ये तस्वीरें हैं। हम जिला अधिकारी से यही गुहार करेंगे कि तत्काल प्रभाव से इसका निरीक्षण करे, निरीक्षण करके इस पर काम लगवाए, बजट पास करे। ये बन गया, सड़क बन गई है। अभी एक हफ्ता पहले जो ये रोड ढलाई हुआ है, इस पे मजदूरे लग करके ठिकार महोदय जी सफाई करा रहे थे। हमने पूछा कि भाई क्यों सफाई करा रहे हो? कह रहे क्या डीएम साहब आ रहे चेक करने के लिए। मैंने कहा कि हमारे घर के ही सामने तक तू गिट्टी कबा दिया, 10 दिन ही बना हुआ है। बोला कि इससे आपसे काम मतलब बजट को हमें दूसरा पास करना है, ये तो डीएम साहब आएंगे हमारा काम हो जाएगा। हमने कहा ठीक है भाई, काम करा लो। मेरे प्राइमरी पाठशाले में बच्चे पढ़े जाते हैं, इसमें लोग 100 से पार गिर जाते हैं। इसमें कहना क्या है, विकास क्या हुआ है? कुछ विकास तो नहीं हुआ है, पूरा खराब है, पूरे के पूरे खराब है। मतलब राज्य को जोड़ती है, जिले को या गांव, ये सदराजे चंदौली बनारस रांची सब इसमें रोड से मिलता हुआ है और जाता हुआ है। इसमें सारे लोग जाते हैं, ट्रक बस गाड़ी इसी से सबका लोकेशन जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर सरकार और प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है। ऐसी बात है सर ना, कि जो रास्ता है वो पटना बंगाल दिल्ली तक चली जाती है हाईवे पर, ठीक ना? जितना ये रास्ता खराब है देवल से आई यहाँ से, इसका भरोसा कुछ नहीं है। ये सरकारी प्राइमरी स्कूल है, आप देख लीजिए जितना गड्ढा है। आप रास्ता देख लीजिए, गाजीपुर में इतना रास्ता खराब कहीं भी नहीं है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन मिश्रा इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पवन, देखिए गाजीपुर की सड़कें बदहाल हो चुकी हैं और तस्वीरें लगातार हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, जहां गड्ढों में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। इस मामले पर क्या उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत की गई है ग्रामीणों के द्वारा? बिल्कुल, आपको बता दें कि सड़कों को लेकर जमनिया विधानसभा हमेशा चर्चा में रहता है। निरहू का पूरा गांव देवल मार्ग तक जाने वाली सड़क गड्ढों से भर गई है। इससे बहुत ही निरहू का पूरा गांव के ग्रामीण ने सड़क पर धान की रोपाई
कर प्रशासन को शासन को आईना दिखाया और चेताया कि अगर सड़क की मरम्मत नहीं होती है तो आंदोलन करेंगे। निरहू का पूरा गांव से लेकर देवल मार्ग तक जाने वाली सड़क में इतने गड्ढे हैं कि जिससे सड़क तालाब का रूप ले चुके हैं और यह समस्या कई महीनों से बनी है। यह सड़क आपको बताते चले कि बिहार प्रांत के कैमूर को भी जोड़ती है। सड़क पर हिचकोले खाते लोग सरकार व जनप्रतिनिधियों को जमकर कोस रहे हैं। गड्ढे में पानी भरे होने के कारण प्रतिदिन कोई न कोई गिरकर घायल हो रहा है। और ये भी है कि गांव के पास सड़क किनारे ही प्राथमिक विद्यालय है। प्राथमिक विद्यालय के बच्चे भी पानी से होकर ही विद्यालय जाते समय प्रतिदिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं और इस मामले पर PWD के अधिकारी खामोश हैं। इस पर कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, जबकि पिछले दिनों हुई लखनऊ मीटिंग में साफ तौर से मुख्यमंत्री का आदेश था कि दीपावली से पहले प्रदेश में जितने भी जिले में गड्ढे हैं उनको तत्काल रूप से सही किया जाए, लेकिन इसका असर जनपद के अधिकारियों पर दिखने को नहीं मिल रहा है। देखिए प्रवीण, आपने जिक्र किया कि जो ग्रामीण है वो सड़क पर धान भी बोते हुए नजर आए, एक सरकार के साथ ही जो उच्च अधिकारी है PWD विभाग के उनको आईना दिखाते हुए भी नजर आए, लेकिन क्या ग्रामीणों के धान रोपने का या उनके आईना दिखाने का अभी तक कोई फायदा मिला है क्या ग्रामीणों को? क्या वहां पर सड़कों की बदहाली देखने के लिए पवन कोई आया है क्या? जी, अभी तक हम आपको बता दें कि अभी तक PWD का कोई अधिकारी या फिर जिला प्रशासन का अधिकारी मौके पर अभी तक न पहुंचा है, लेकिन जिस हिसाब से अगर कोई भी अधिकारी PWD का या जिला प्रशासन का अधिकारी अगर मौके पर पहुंचते हैं तो फिर से हम आपको अपडेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए, तमाम अपडेट और जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो CM योगी आदित्यनाथ ने खुद दिशा निर्देश दिए हैं और वो लगातार ये दिशा निर्देश देते हुए नजर भी आ रहे हैं कि सड़कों पर गड्ढे ना हो। यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो, लेकिन उसका भी असर नहीं देखने को मिल रहा है और यूपी की सड़कें लगातार बदहाल होती हुई नजर आ रही हैं। और ये ताजा तस्वीरें उसी बदहाल सड़कों का उदाहरण भी है और ये तस्वीरें गाजीपुर की हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।